हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व तो अपने शिक्षा के दम पे पूरे समाज में क्रांति ला दी थी और उस समाज के लिए लड़े जिस समाज को एक समय में बहुत ही निचले कैटेगरी में माना जाता था। ये माना जाता था कि उस समाज के लोग बहुत ही तुच्छ होते हैं, लेकिन उस समाज को इतने ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य, इतने ऊंचाइयों पर ले जाने का संघर्ष उन्होंने लड़ा अपने जीवन भर जब तक वे जीवित रहे। और उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। और ये मानना है कि जितना संघर्ष और जितना प्रताड़ित किया गया समाज था, और उस प्रताड़ित किए गए समाज में अपने संघर्ष के दम पे, अपने परिश्रम के दम पे जो है वे एक प्रतिष्ठित समाज की कल्पना करना चाहते थे और भारत के संविधान जैसे एक उच्च आदर्श का जो प्रस्तावना है उन्होंने सामने लाया। और जिस संविधान से हमारा पूरा देश चलता है, उस संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी आज जयंती है। उनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, और उसी के उपलक्ष में आज के दिन 14 अप्रैल के दिन उनकी जयंती मनाते हैं पूरे विश्व में। और हमारे लिए गर्व का बात है कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर 32 डिग्रियां उनके पास ऐसा माना जाता है, 4 डॉक्टरेट की डिग्रियां। सबसे पहले जब वो कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, वहां से फिर लंदन में आते हैं, और ये सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से उन्होंने जो डिग्रियां प्राप्त की थी, उन डिग्रियों से अपने आप को एक उच्च व्यक्ति बनाया, अपने आप को इतना क्षमतावान व्यक्ति बनाया कि उस जमाने में जहां पे इतनी डिग्रियां रखना, आज के जमाने में इतनी डिग्रियां किसी के पास नहीं होंगी जितना कि बाबा साहब अंबेडकर के पास थी। और ये चीजें और समाज के प्रति जो उनका लगाव था, समाज के लिए जो उनका लगाव था, समाज के लोगों के लिए जो उनका लगाव था, इसके लिए उनको एक उत्कृष्ट व्यक्ति और बाकियों से अलग बनाती है। और आज के दिन आप सभी को जो है 14 अप्रैल की बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के लिए बहुत बहुत बधाइयां हैं। बस मैं आपसे 2-3 बातें उनके सामने रखना चाहूंगा आपके सामने, कि जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को जो मानते हैं, बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर शिक्षित है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे जो है समाज में आप गिरा नहीं सकते। और इस चीज को प्रूव करके दिखाया था बाबा साहब अंबेडकर ने। उन्होंने ये बात जो है जब लड़ाइयां लड़ी थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं उनके जो पिता थे वे ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे, और ब्रिटिश सेना में कार्यरत रहने के कारण उनको जो है पढ़ाई के लिए जब स्कूल में भेजा गया, तो मैं बता दूं कि जो प्रारंभिक शिक्षा उनकी चल रही थी, ऐसा बहुत सारी किताबें बताती हैं, बहुत सारी चीजें बताती हैं कि जब पढ़ाया जाता था तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है बाहर बैठ के पढ़ते थे, बाहर बैठ के पढ़ते थे, और उच्च जातियों के लोग जो है वे अंदर बैठ के पढ़ते थे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि अंदर बैठने वाले लोगों में से किसी का नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, बल्कि बाहर रह के बैठ कर पढ़ने में जो बाबा साहब ने जो उच्च कोटि का एक प्रदर्शन किया, इसका मतलब मैं ये आपको ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर बैठ के पढ़ना चाहिए, बल्कि उनका पढ़ने में इतना लगन था। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपको उनसे सीखना चाहिए। हमें जो है, हम जितने युवा हैं, जितने यूथ हैं, उनको जो है फॉलो करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में क्रांति ला दिया था उन्होंने। क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं अपने समाज को बदलाव लाना चाहता हूँ, अपने आप में बदलाव लाना चाहता हूँ। और आज की जो युवा पीढ़ी है, वो अगर समाज में बदलाव लाना चाहती है, अपने आप में बदलाव लाना चाहती है, तो बाबा साहब अंबेडकर के जो आदर्श है उनको अपनाना पड़ेगा। और उनके आदर्श जो शिक्षा के आदर्शों को लेकर चलते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये जो वीडियो है मैं उन छात्रों के लिए और उन लोगों के लिए भी प्रस्तुत कर रहा हूँ जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनको अपना आदर्श बनाते हैं, और जो संविधान का निर्माण किया उन्होंने, संविधान के निर्माण में उन्होंने एक पूरी तरह से एक छवि रखी कि समानता पे बात चलेगी, समता पे बात चलेगी, बंधुत्व पे बात चलेगी। समता और समानता आप सभी जानते हैं, हर धर्म, हर जाति, हर लोग यहाँ पे समान रहेंगे, यहाँ पे कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे सभी लोग समान तरीके से रहेंगे, सभी धर्म समान रहेंगे। इसके लिए उन्होंने हमारे मूल अधिकार, आज हम कह सकते हैं कि आज हम आसानी से जो है सरकार को चैलेंज कर पाते हैं, आसानी से हम जो है घूम पाते हैं, फिर पाते हैं, किसी को कुछ भी बोल पाते हैं, इसका कारण जो है बाबा साहब अम्बेडकर हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान के अंदर हमारे मूल अधिकारों को दिया था। और ऐसे अधिकार जो हम सरकार से मांग सकते हैं, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर हम पूरे समाज के ऊपर, इतना नहीं, केवल ये नहीं कि दलितों के लिए काम किया, नहीं, बल्कि संविधान निर्माण जो है केवल दलितों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के ऊपर जो है उन्होंने एक कल्याण किया है, इसलिए उनको दिल से सल्यूट है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि उनके आदर्शों को सभी को फॉलो करना है, उनकी शिक्षा के रास्ते को अपनाना है। और जब तक हम अशिक्षित रहेंगे,
तब तक हमारा विकास कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें शिक्षा को अपनाना पड़ेगा, हमें हर पीढ़ी में हर स्तर पे जो है शिक्षा को अपना करके आगे बढ़ने का राह सोचना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।